మేడ్చల్ జిల్లాలోని జవహర్ నగర్ లో ప్రజాసత్తా పార్టీ తెలంగాణ చీఫ్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి మీడియా సమావేశం. ఈ సందర్భంగా ప్రజాసత్తా పార్టీ తెలంగాణ చీఫ్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ పిల్ల పాపలతో ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ చూడటానికి వస్తారని, అలాంటి ప్రజలకు సందర్శకులకు రక్షణతో పాటు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చూడాల్సిన జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అక్రమ నిర్మాణాలను ప్రోత్సహించి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఉన్నతాధికారులు వెంటనే కల్పించుకుని బాంబు కర్రలతో నిర్మించే షెడ్ల అనుమతులను నిలిపివేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ప్రభుత్వానికి దీనిపై ఏ విధమైన అర్హత మరియు లాభం లేదు. మరి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ సొసైటీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎన్ సురేందర్, సెక్రటరీ కృపాశంకర్, జాయింట్ సెక్రటరీ హనుమంతరావు, ట్రెజరర్ వినయ్ కుమార్ వీరంతా కలిసి ప్రజల రక్షణ కలిగించేలా నిర్మించకుండా వారి ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడే విధంగా ఉందని మండిపడ్డారు. जो आग लगी थी, फायर हुआ था और बहुत बड़ा इंसिडेंट था, छोटा इंसिडेंट नहीं समझ सकते उसको, क्योंकि उसमें छोटे बच्चे भी थे. लोग एक फ्रीक्वेंसी वहाँ जाते इंटरटेनमेंट के लिए, तो कुछ एक सेफ्टी रहना. लास्ट ईयर जो हम देखे, हमको जो मालूम हुआ कि आयरन यूज़ कर रहे थे, ड्यू टू दैट आयरन, क्योंकि उसको मेल्ट होने के लिए टाइम लगता बोल के बहुत से लोगों की जान बच गई. लेकिन अब जब हम गए देखे, ये पब्लिक इश्यू के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के लिए मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं दूसरी जगह भी गया, बात करा, लोग उसको कोई इंटरटेन नहीं कर रहे. तो मैं बस यहाँ आके आपको खास तौर से बोला हूँ, सब ये पब्लिक का काम है, पब्लिक के लिए थोड़ा आप लोग इंटरेस्ट लो, पब्लिक के लिए कुछ करो. तो उसमें ये हुआ कि हमारे जो त्यागी साहब है, उन्होंने मेरे को इंटरटेन किए और बोले, भाई आपका इशू क्या है? और सर, इशू मेरा नहीं है, पब्लिक का इशू है. मैं जब एग्जीबिशन गया तो वहाँ टोटली जो है तो लोगों जो फिर जो बम्बू यूज़ कर रहे हैं, पूरा वुडन यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि लकड़ी को अगर आग लगी तो सेकंड में जो है तो पूरी एग्जीबिशन तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, जाना जा सकते हैं, ऐसे इंसिडेंट कई हो रहे हैं. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये पब्लिक इशू है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, इसके लिए कोई आप जो एक अच्छी तरीके से करोगे, क्योंकि इसके अंदर कोर्ट के अंदर कभी कुछ वर्डिक्ट नहीं आया, लेकिन आने वाला है. कुछ लोग कोर्ट को भी गए, यानी एक डर खौफ के माहौल में लोग एग्जीबिशन नहीं जाना, अपना जो है तो एक बिल्कुल ही ऐसा समझ के कि भाई फैमिली रहती, छोटे बच्चे रहते, कभी बच्चे इधर उधर जाते, कुछ हो गया बोले तो किसकी जान जाएंगी? पब्लिक की जाएंगी ना, पब्लिक को लॉस होगा ना. तो उसके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो सेफ गार्ड है वो मजबूत होना चाहिए, जो पिल्लर है वो मजबूत होना चाहिए. पिल्लर ही अगर मजबूत नहीं है तो फायदा क्या है उसका? तो अभी मैं जो देखा हूँ कि टोटली जो वर्क चल रहा है पूरा लकड़ी का चल रहा है. मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भाई कम से कम जैसा पिछले टाइम हुआ था वैसा इंसिडेंट फिर दोबारा नहीं होना, और किसी तरीके से कोई पब्लिक को परेशानी नहीं होना. पब्लिक बिल्कुल फ्री मूड से और पूरा फ्रीक्वेंसी से जो है तो पब्लिक जाना, वो करना और अपना एंटरटेनमेंट करना, इसके लिए मैं आपको ये बोलने के लिए. अच्छा सर, मुझे ये बताइए, इसमें गवर्नमेंट का तो कुछ लेना देना नहीं? गवर्नमेंट को क्यों लेना है, सोसाइटी है सर ये. अच्छा, ये सोसाइटी गवर्नमेंट का कोई लेना देना? तो इन दिस सोसाइटी आपने अप्रोच किया इनको कि भैया ऐसे मत करो, दिस इज द वेरी डेंजरस फॉर द लाइफ एंड सेफ्टी टू द पब्लिक, उसमें बच्चे आएंगे, जवान आएंगे, महिलाएं आएंगी, जेंट्स आएंगे, सीनियर सिटीजन आएंगे, आपने एक बार इनसे अप्रोच करे? देयर वाज नो टाइमिंग, इफ यू कैन गो देयर. तो उनका कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है, वो उनसे आप कब आएंगा. और फिर अगर आप ज्यादा ही इधर ठहरे करें, पूछे देखा आदमी बोल देता सही काम हो रहा साहब, बराबर है, हम लोगों ने परमिशन लेके करे है, हम लोगों ने एमसीएस से परमिशन ले ली, हमने कलेक्टर से परमिशन ले ली, हमने इससे परमिशन ली, ये बात बता देते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली में अगर आप देखें तो आप भी यू हैव अ सेंस कि भाई क्या काम चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, वो अपन देखे तो खुद को मालूम होता है. आप खुद इसकी वीडियोग्राफी देखे हुए क्या काम चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, आप खुद देखे चल के, आप लोग खुद आके अपना वहाँ जो है तो इंस्पेक्शन कीजिए. और पब्लिक इशू है सर ये, कोई प्राइवेट इशू नहीं है ये, ये कुछ उसका नहीं है. लेकिन मतलब यू आर वरिंग अबाउट ओनली द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक. ऑफ कोर्स सर, देयर इज नो डाउट. ठीक है, पब्लिक सही रही
लोक संरक्षण संरक्षण सब एक साल में एक बहुत एग्जीबिशन आती है, लोग बाहर से भी आते देखने के वास्ते, हैदराबाद से भी आते, बच्चे भी आते, सब जने आते। एक एग्जीबिशन का एक अपना खुद का वहाँ मुकाम है कि भाई साल में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगता, तो उसके लिए फिर ये सब चीजें रहना चाहिए ना सर, सेफ्टी रहनी, सेफ्टी सेफ्टी गाइडलाइन। आप ये चाहते हैं कि किसी को पब्लिक को जो है प्रॉपर तरीके की सेफ्टी जो है प्रोवाइड करें, 100% प्रॉपर सेफ्टी रहना चाहिए हर जगह जो है, तो सेफ्टी रहना चाहिए, गार्ड्स रहना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है सर, इंसान की जान चलेगी उसके लिए कौन जिम्मेदार है सर, अगर कुछ भी हो गया कल तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सही भाई, गवर्नमेंट का इसके अंदर कुछ लेना देना, सोसाइटी का मामला, सोसाइटी हैज टू टेक द प्रिकॉशन मेजर। सही, हमारा कहना मतलब ये है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अब वहाँ दुकान वाले रहते हैं, हॉकर्स रहते, लोग अभी बेचारे गरीब लोग रहते हैं, इधर उधर से पैसा लाके लगाते हैं वहाँ। सही बात है, एक कुछ अर्निंग होना बोल के एक महीना लोग उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहता कि भाई हम एक महीने में कुछ, अगर कुछ हो गया बोले तो सब उनका दर्द उनकी एक्सपेक्टेशन की जगह पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसका 100% सर, 100%। तो यू आर वरिंग अबाउट दैट ओनली 100%, ऑफ कोर्स सर। आई एम अरुण कुमार त्यागी, चीफ ऑफ द प्रजासत्ता पार्टी फॉर तेलंगाना स्टेट। 3-4 डेज से कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ये नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड्स के लोकल एरिया से, तो उसमें जो है कुछ गलत एक्टिविटीज़, गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रही है। आपने देखा होगा 2018 में एग्जीबिशन ग्राउंड में एक बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट हो गया था, और भगवान का शुक्र है कि उसमें किसी जान की माल की नुकसान नहीं हुआ, बिकॉज उसमें जितने भी शेड के कंस्ट्रक्शन थे वो पूरे एमएस पाइप के कंस्ट्रक्शन थे, ठीक है ना। इस वजह से किसी को मतलब किसी इंसान को किसी भी तरीके की इंजरी नहीं हुई, सामान जो था जो उसमें शॉपकीपर्स जिन लोगों ने अपना जो सामान लगाए वो पूरा जो है डैमेज हो गया, जल गया। अब ये 2019 में बैम्बूज जो होते हैं, बैम्बूज से वहाँ पे जो लोकल सोसाइटी है एग्जीबिशन ग्राउंड की, लोकल सोसाइटी जो है एग्जीबिशन ग्राउंड की, जो कि रेस्पॉन्सिबल है उसके वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, उनको करेक्ट तरीके का करेक्ट टाइम पे कब अप्रोच करना है उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी पब्लिक को वो मिलते नहीं है, जो उन्होंने करना है अपनी मर्जी से वो कर रहे हैं। और ये जो सोसाइटी है सिंस 80 ईयर से चलते हुए आ रहे हैं, और ये टोटल लैंड जो है 24 एकर्स का है, जिसमें कॉलेज है और भी कई चीजें हैं। और मेन चीज क्या है, बैम्बूज के ऊपर जो ये लोग शेड बना रहे हैं वो चीज पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत डेंजरस है, इन केस उसमें जो भी जो अपने एग्जीबिशन के लिए जो अपना शॉप्स वहां पे लगाते हैं 1 मंथ के लिए, जो गरीब लोग हैं अपने हार्ड अर्न मनी जो जमा करके उस सोसाइटी में वहां पे एग्जीबिशन ग्राउंड में जो जाके लगाते हैं, उसमें इन केस बैम्बूज का जो शेड का कंस्ट्रक्शन है अगर फायर लग गया तो पब्लिक को बहुत बड़ा हार्म है, नुकसान होगा, जाने चली जाएंगी लोगों की। उस चीज के लिए आज हमारे एक अली साहब हैं, वो हमारे पास आए, और कई लोगों ने वहां से मुझे जो है नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड के आजू बाजू जो नियरेस्ट लोग रहते हैं उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया। तो ये सब चीजें चल रही गलत तरीके से। दो चीज तीन चीज मैं बताऊंगा, जीएचएमसी ने विदाउट इन्वेस्टिगेशन परमिशन दिया है, फायर एंड डिजर्टर डिपार्टमेंट वाले उन्होंने परमिशन दिया है, पुलिस स्टेशन से भी उन लोगों ने परमिशन ले लिया है, इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, जो कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने ये परमिशन वहां से अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल से लिया है, जो कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। की हैसियत से मैं सोसाइटी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर उन लोगों से डिमांड करता हूं कि ये कंस्ट्रक्शन जो है बैम्बू का कंस्ट्रक्शन स्टॉप करके आयरन का कंस्ट्रक्शन करें, जिससे कि पब्लिक को सेफ्टी मिले,
किसी की जान ना जाए, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो दिस सोसाइटी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल देयर एक्टिविटीज। थैंक यू।